झारखंड विच जल जीवन अते मनुखता दी सेवा करदे स्टैंप स्वामी नूं NIA ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिता, जिथे उन्हां दी मौत हो गई, जिस करके मसीह भाईचारे ने गुरदासपुर विच रोस प्रदर्शन किया। रिपोर्टर जगजीत सिंह दी रिपोर्ट, मस्का चुस्का टाइम, गुरदासपुर। फादर स्टैंप स्वामी जिहड़े 84 साल दे जल जीवन ते जीव रख्या दे लई झारखंड दे विच पिछले अद्धी सदी तो कम करदे आ रहे सी, उस बजुर्ग नूं भीमा कोरे गांव केस दे विच नजायज़ तौर ते NIA वल्लों झारखंड तो रांची तो जा के गिरफ्तार करके जेल दीआं कोठड़ियां विच सुट दित्ता गया। बार बार फादर स्टैंप स्वामी दे इह बयान देण दे कि मैं कभी मुंबई के भीमा कोरे गांव में कभी गया ही नहीं, मैनू उस घटना बारे जानकारी कोई नहीं, मेरी उहदे नाल कोई मेरा लिंक कोई नहीं, पर उहदिआं दे बार बार उस बजुर्ग बीमार दे इन्नियां अपीलां करन दे बावजूद भी साढ़े भारत की NIA एजेंसी नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह के इशारियां ते फादर स्टैंप स्वामी नूं गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने तो बाद जेल में डक दिता गया। पर इत्थे दुख की गल आ कि फादर स्टैंप स्वामी बजुर्ग होने करके बीमार से उन्होंने हाथ कंबदे, उन्होंने सर्वोच्च अदालत तो अपने हाथ कंबण करके पानी ना पीण की जी असमर्था जताई। उन्होंने ये मांग की कि मैनू मान योग अदालत जी सिपर की आग्ञा दे, पर दुख की गल आ कि जिस मान योग सुप्रीम कोर्ट के तहत साढ़े मनुखी अधिकारों की रक्षा होनी आ, मानजक सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी स्टैंप जी की गल नहीं सुनिया, बल्कि जिहड़ी सरकार वल्लों पक्ष सी उहनूं सुन के उहनां दी अपील खारिज कर दित्ती गई। और वह बजुर्ग जिहड़े हथ कंबदे सी उहनां दे कोल कोई सहायता भी नहीं सी। दूसरा, कल ही उहनां दे वकील ने भी यह स्टेटमेंट दित्ती आ कि एक बेंच ने, मानजोग अदालत दे एक बेंच ने यह डायरैक्शन दित्ती मुंबई NIA नूं कि इन्हां नूं तुरंत जिहड़ा आ इन्हां दी चॉइस के मुताबिक होस्पिटल जाण दी आग्ञा दित्ती जावे। पर उहदे बावजूद भी जिहड़ी आ स्टेट आ उन्होंने उन्होंने 10 दिन डिले कर दिता, जिहदे करके वह बीमार हो गया और उन्हां दी मौत हो गई। सो इस मौत लई असी सीधा सीधा देश के गृह मंत्री अमित शाह नूं जिम्मेवार मानते हाँ, और उहदे नाल नाल देश के प्रधानमंत्री मोदी नूं भी असी इहदे लई जिम्मेवार मानते हाँ। और अज इसे करके असी जिहड़ा मसीह भाईचारे ने क्रिश्चन नैशनल फ्रंट ते क्रिश्चन नैशनल यूथ फ्रंट की अगवाई विच इस जगह ते जहाज चौंक दे विच अज गुरदासपुर दे विच पुतला जिहड़ा फूक के प्रधानमंत्री मोदी दा ते अमित शाह गृह मंत्री दा फूक के असी ये मांग की आ। साडे सारे भाईचारे ने साडे नाल होर भी बहुत सारिया संस्थावां दे जिहड़े लोग इत्थे पहुंचे ने, शहीद भगत सिंह नौजवान सभा दे भी साथी इत्थे आए ने। और साडी ये मांग आ कि जिस तरह UNO ने भी कहा कि इहदी जिहड़ी आ भारत के राष्ट्रपति जी ने उन्होंने लैटर लिखा कि इहदी उच्च पद्धरी जांच करा के जिहड़े उन्हां दी मौत नाल संबंधित लोग ने उन्होंने कटहरे में खड़ा किया जाए। सो असी भी UNO तो यो ही मंग करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मनुखी अधिकारों मुख रखते हुए स्वामी जी की जिहड़ी मौत है ये कारणों का पता लाया जाए, क्योंकि अज पूरे देश दे विच जिन्ने भी बुद्धिजीवी लोग ने, जिन्ने भी लोकतंत्र संविधान नूं प्यार करन वाले लोग ने, वह ये उम्मीद रखते हैं कि स्वामी जी के कातलों का पता लगना चाहिए कि उन्हां दी मौत किहड़े हालातों में हुई आ। और एक गल अंत में मैं कह के अपनी गल समाप्त करूँगा, तुहानू सब नू पता आ कि इस देश दे विच मालेगाँव बंब धमाके होए सीगे, और उन्हां मालेगाँव बंब धमाके दे विच प्रज्ञा ठाकर समेत कई जिहड़े आ दोषी उहदे विच NIA ने फड़े सी। पर दुख की गल आ कि भाजपा जिन्हां ने मालेगाँव बंब धमाके दे विच इनवॉल्व जिहड़े लोग ने जां ग्राम स्टेन ते उहदे बच्चों के जिहड़े कातल आ, भाजपा ने उन्हां नूं टिकटां दे के जिता के सेंटर दे विच पार्लीमेंट च संसद मैंबर बनाया होया। एक पासे उह बंदा जिन्हें सारी उम्र आदिवासियों के जल जंगल पानी बचाउण दे लई जंग लड़ी होवे, उन्हां दीआं जमीनां बचाउण दी जंग लड़ी होवे, उस बजुर्ग नूं इन्हां ने मौत दे घाट उतार दिता। और मैं इस गल दे लई उन्हां दी मौत दे लई फादर स्टैंप स्वामी दे लई मोदी ते अमित शाह नूं जिम्मेवार मानदा होया इस मौत दी घटना की मैं सख्त शब्दों में निंदा करदा। और मैं ये विश्वास करदा
कि साडे देश दे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इस गल दे लई नोटिस लैणगे और सच्चाई सामने देश दे लैके आउणगे ताकि अगां तों इहो जिहा कोई निर्दोष व्यक्ति जिहड़ा मर ना सके। पर स्वामी जी की मौत ने एक बारी फिर 2008 उड़ीसा दीआं ओह घटनावां नूं ताज़ा कराता जिहदे विच उड़ीसा विच मसीह भाईचारे दे उपर बीजेपी RSS ते इहनां दीआं जिहड़ियां सहयोगी जथेबंदियां ने जिस ढंग दे नाल नाज़रां रेप कीते, जिस ढंग दे नाल लोकां नूं उत्थे कतल कीता, चर्चां नूं अग लाई, घरां नूं अग लाई, ओह घटना एक बारी ताज़ा कर दित्ती आ। और इस देश दे विच अज दो तरह के कानून आ, घट गिणतियां लई अलग तरह के कानून आ ते बहु गिणतियां दे लई होर ने। सो असीं मंग करदे आ कि इह जिहड़ियां फासीवादी ताकतां अपनी मन मर्जी नाल जिहनूं मर्जी आवाज़ दबाउण दे लई गिरफ़्तार कर लैंदियां और UAPA वर्गियां धारा ला के उहनां नूं अंदर कर दिंदियां। और असीं अज राष्ट्रपति साहब ते वी मंग करदे आ कि UAPA वर्गे जिहड़े काले कानून ने जिहड़े घट गिणतियां दे खिलाफ़ बुद्धिजीवियां दे खिलाफ़ वरते जाए ने, ओह तुरंत देश दे विच रद्द कीते जाने चाहीदे आ।